Good morning, everyone. Today we will continue biotechnology, its principles and processes. In previous lecture, हम लोग देखे कि biotechnology क्या है. Biotechnology is a process, is a technique in which the products are produced with the help of microorganisms and animal cells या plant cells. इससे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जो कि ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल होते हैं. इसमें हम लोग देखे दो पार्ट होते हैं कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज में हेल्प करते हैं, प्लस आपका जैसे एंटीबॉडीज तैयार हो रहा है, वैक्सीन बनते हैं या आपका रेजिस्टेंस बनता है, ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, वैक्सीन वगैरह. फिर हम लोग इसमें प्रीवियस लेक्चर में देखे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन कौन से हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में आपका एंडोन्यूक्लियेजेस है, जिसमें आपका सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हिंट टू है. उसके बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बन के तैयार हुए. फिर जो न्यूक्लियेजेस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के न्यूक्लियेजेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस. जो डीएनए सीक्वेंस को या डीएनए रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कट करते हैं अलग अलग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस में. फिर क्या क्या टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के. बायोटेक्नोलॉजी में आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए, लाइगेज चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, जो कंपोनेंट होते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स के वो सब चाहिए. ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज दिस सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. अब हम लोग लास्ट में प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है, कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं. अब जो सेपरेशन होता है या जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको हम लोग कैसे आइसोलेट करते हैं, उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेसेस होते हैं. द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय कटिंग द एंडोन्यूक्लियेजेस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. जो पहला जो डीएनए है उसको हम लोग जो कट करें, जो कट हो रहा है डीएनए का बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस में आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है. पहला हम लोग का सबसे फर्स्ट जो आइसोलेट हुआ था उसका क्या नाम है, हिंट. ये सबसे पहला आपका एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेट किया गया था. जो रिजल्ट करते हैं क्या, रिजल्ट्स फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. अब जो कट हो गया, मान लो ये जो डीएनए है फॉर एग्जांपल, ये एक स्पेसिफिक एरिया में कट हुआ, तो यहाँ से यहाँ जो कटिंग हुआ इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को. ये क्या हो गया, डीएनए का फ्रैगमेंट्स हो गया, डीएनए का फ्रैगमेंट्स हो गया. द टेक्निक व्हिच सेपरेट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स based on their size is called gel electrophoresis. अब जो टेक्निक है जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को बेस्ड करते हैं, मतलब जो उनके साइज पे बेस्ड होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स, उसको जो सेपरेट करता है जो प्रोसेस या जो टेक्निक. पहले हम लोग देखिए जो कट हो रहा है, जो एरिया एंडोन्यूक्लियेजेस से कट हो रहा है वो फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं. अब ये जो फ्रैगमेंट्स सबको जो सेपरेट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स. ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे कैन सेपरेट बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर an electric field through medium or a matrix. अब ये जो DNA fragments होते हैं ये negatively charged होते हैं. ये क्या करते हैं, separate होते हैं. कैसे होते हैं separate, by forcing. Force करते हैं उसको, उस चीज को force होता है जो anodes है, जो उसको move करते हैं towards आगे की तरफ move करते हैं, है ना, anodes की तरफ. इसमें through the help of electric field through the medium ya matrix. The common medium used is agarose and natural polymer extracted from sea leaves. ab ye jo
मैट्रिक्स है या मीडियम है वो कॉमनली कौन सा यूज होता है? एग्रोस। एग्रोस है ये कॉमनली मैट्रिक्स के रूप में यूज होता है, और जो नेचुरल पॉलीमर है एक्सट्रैक्ट होता है वो सीवीड से एक्सट्रैक्ट होता है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू स्विविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। द स्मॉलेस्ट इन फ्रैगमेंट साइज इज फर्दर इट मूव्स। अब क्या होता है, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो जब सेपरेट करते हैं उसके साइज के हिसाब से, तो ये जो एग्रोस जेल प्रोवाइड होता है, तो जैसे जैसे वो फ्रैगमेंट्स छोटे हो जाते हैं वो फर्दर मूव करते हैं। बड़े जो रहते हैं आपका साइज, साइज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, साइज मैटर्स हियर, कि सबसे पहले जो बड़े होते हैं साइज में वो फ्रंट में होते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं साइज, छोटे होते जाते हैं साइज। The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure of UV radiation. जो separated DNA है उसको हम लोग कैसे visualize कर सकते हैं? जब हम लोग DNA को stain करेंगे कौन से component से या कौन से compound से? The compound known as ethidium bromide, किससे ये फॉलोड होता है ये कंपोनेंट? यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर होता है इसका। द डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी सीन एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये कैसे नजर आएंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स के जैसे। दीज सेपरेटेड बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। अब ये जो सेपरेटेड बैंड है वो एग्रोस जेल के मदद से कट हो जाते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड from gel piece, और ये कहाँ extract होंगे? gel piece में। this is called elution. the purified DNA fragments can be used for constructing recombinant DNA by joining with them with cloning vector। अब जो purified हो गया, जो separate करने के बाद, isolate करने के बाद purify हो गया DNA fragments का, वो अब क्या करेंगे? DNA recombinant DNA में join करेंगे with the help of cloning vectors। In this figure we can see ये एक bacterial DNA है यहाँ पे, और ये plasmid है। plasmid किसका है? E. coli का। ये plasmid है E. coli का। अब यहाँ पे restriction endonuclease से cleavage हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम ये कट हो रहा है, ये पोर्शन हमारा कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये rat है, एक organism है, इसका ये DNA है, DNA sequence है। अब यहाँ पे भी restriction endonuclease हो रहा है, ये जो cut portion है इसको किससे लिया गया है? rat के DNA से, यहाँ पे E. coli जो plasmid है। अब ये जो E. coli का plasmid हो गया और ये rat का DNA हो गया या उसका ये हो गया, ये E. coli plasmid क्यों कहा जा रहा है ये भी आप ध्यान रखोगे, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इकोलाई का जो प्लाज्मिड है उसको कट करके निकाल दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब यहाँ पे भी एक सीक्वेंस कट करके अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे जोड़ा गया, ये पोर्शन जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ इसके डीएनए से। अब देखा क्या जा रहा है कि ये पूरी तरह से अटैच हो गया, प्लाज्मिड पूरी तरह से अटैच हो गया इंसुलिन जीन से। उसमें यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, हमारा इकोलाई देखा जा रहा है, पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। अब इकोलाई में अब इंसुलिन जीन ऐड हो गया, ये इंसुलिन जीन ऐड हो गया इसमें। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इस पूरे फिगर में क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या बन रहा है? जेनेटिकली जो प्लाज्मिड है, जेनेटिकली प्लाज्मिड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या बन के तैयार हो रहा है? इकोलाई, इंसुलिन। इंसुलिन क्या हो रहा है? आर्टिफिशियली बन रहा है, ठीक है।
हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इंसुलिन तैयार हुआ, जैसे आर्टिफिशियली इंसुलिन तैयार हुआ, हम लोग के बॉडी में नेचुरली इंसुलिन कहाँ तैयार होता है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में नेचुरली हम लोग का इंसुलिन तैयार हो रहा है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को जैसे इंजेक्शन पड़ता है इंसुलिन का, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्रोसेस होता है उससे वो इंसुलिन तैयार होता है और वो थ्रू इंजेक्शन थ्रू मेडिकेशन उनको दिया जाता है। द क्लोनिंग वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब जो जो क्लोनिंग वेक्टर है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, वो क्या कैरी करते हैं? फॉरेजिन डीएनए सेगमेंट्स। क्या कैरी करते हैं? फॉरेजिन डीएनए सेगमेंट्स इनटू होस्ट सेल। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर है डीएनए का, वो सेगमेंट्स कैरी करते हैं फॉरेजिन डीएनए के होस्ट सेल। The vectors used in recombinant DNA technology can be, कौन कौन से vectors हो सकते हैं? Plasmids autonomously replicate circular extra chromosomal DNA. Plasmids क्या करते हैं? Autonomously replicate करते हैं extra chromosomal DNA के साथ. Bacteriophages viruses infecting bacteria, ठीक है, ये हो सकता है. Cosmids hybrid vectors derived from plasmids which contain cos site of X phase, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये तीन हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के वेक्टर्स हो सकते हैं। अब क्या है? कॉपी नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन द सेल। अब जो नंबर हम लोग कॉपी कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर्स सेल में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। Bacteriophages have high number of per cell. Bacteriophages में जो copies है, जो cell के numbers है, वो बहुत high रहते हैं. So their copy number is high in genome. इसीलिए उनके जो genome के भी copy numbers होते हैं, वो भी high रहते हैं. Plasmids have only one or two copies of cell. अब plasmids में एक या दो copies of cells होते हैं. Copy number can be vary from 1 to 100 and more than 100 copies per cell. ये भी हो सकता है। If an alien piece of DNA is linked with bacteriophage of DNA of plasmid DNA, its number can be multiplied equal to the copy number of the plasmid of the bacteriophage, ठीक है? अब क्या हो सकता है कि जो alien piece होता है DNA का bacteriophage से या उसके plasmid of DNA से multiply हो जाएगा, तो वो जो bacteriophage का plasmid है उसके इक्वल हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्लाज्मिड का नंबर 1 या 2 ही रहता है, बैक्टीरियोफेज का ज्यादा रहता है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा एलियन पीस ऑफ डीएनए चाहिए होता है जो कि लिंक करे। फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। क्या-क्या फीचर्स है जो क्लोनिंग वेक्टर्स में रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहला होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है ओरी। सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जेन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये क्या है? इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। हमेशा ये याद रखना कि ये जो मान लो आपका पूरा ना लिखा हो, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा हो आपके एग्जाम में, तो ये क्या है आपका ओ आर आई? क्या है ये? जो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब ये जो है, ये कोई भी पीस जो है डीएनए का, ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है सीक्वेंस से। क्यों? क्योंकि वो रेप्लिकेट करे विद इन द होस्ट सेल। द सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ लिंक्ड डीएनए। अब ये जो सीक्वेंस है ये रिस्पॉन्सिबल भी है किस चीज के लिए? कॉपी को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या ये सेकेंड क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। ये क्या करता है? हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेलेक्टिव प्रिमेटिव ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ये क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करता है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या सेलेक्टिवली जो ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेंट्स है उसको प्रिमिट करने के। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जहां से पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस होता है इनटू होस्ट बैक्टीरियम। द जेन कोडिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीएनए ऑफ एंटीबॉडीज सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरा
amphiphenol, tetracycline or kanamycin etc. are some useful selectable markers of E. coli. ये आप याद कर सकते हो. Now हम लोग देख रहे हैं ये क्या cloning site है, ये कौन सा figure है cloning vector का. This is known as PBR322. ये कौन सा cloning vector है? PBR322. इसमें क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है साइट्स. सबसे पहले आपका है BAMH1, SAL2, HIND3, फिर PVUL1, PSTL1, MR, ORI, ROPE, TET-R. ये PBR322 क्लोनिंग वेक्टर है. और ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे ये जो है स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है. ये आपका इकोलाई है, ठीक है. हम लोग जान गए उसमें ये कहाँ कहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, फिर कट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स है, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है. क्लोनिंग साइट्स आर रिक्वायर्ड टू लिंक द एलियन डीएनए विद इन विद द वेक्टर. क्लोनिंग साइट क्या करता है, लिंक करता है जो एलियन डीएनए है उसको वेक्टर से लिंक करने के लिए क्लोनिंग साइट रिक्वायर्ड होते हैं. द वेक्टर रिक्वायर्स वेरी फ्यू और सिंगल रिकॉग्निशन साइट. अब बहुत कम और सिंगल रिकॉग्निशन साइट वेक्टर्स रिक्वायर्ड करते हैं, कॉमनली यूज फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स. अब ये क्या करेगा, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनाएगा अगर ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगे इसमें, ठीक है. लीडिंग टू कम्प्लेक्शन ऑफ क्लोन जेन क्लोनिंग. वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जेन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेनी विच आर यूज टू जेन क्लोन जेन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वेक्टर्स में, वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जेन्स में प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं जो कि क्लोन करते हैं. इन प्लांट्स ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टर्मिनिफेंसिस इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर. प्लांट्स में ये यूज होता है. और एग्रोबैक्टीरियम, जो एग्रोबैक्टीरियम टर्मिनिफेंसिस इज द पैथोजन ऑफ सेवरल डिकॉर्ड प्लांट्स. ये सेवरल डिकॉर्ड प्लांट्स है एग्रोबैक्टीरियम का, तो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है. सेवरल प्लांट्स में पैथोजेंस होते हैं. इट डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज TDNA इन द TI प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, व्हिच वन ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजेंस. रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पैपिलोनोमा वायरस are now used for cloning in animals because of their ability to transform normal cells in cancer cells. ठीक है, ये सब जो है ये animals में use होते हैं cloning के लिए, क्योंकि ये transform कर सकते हैं into cancer cells में, transforms कर सकते हैं, ability रहते हैं. Component host organisms is required because DNA being is hydrophilic philic molecules cannot pass through cell membranes. Hence, the bacteria should be made components to accept the DNA molecules. क्या करते हैं जो component होते हैं host organisms के, वो required करते हैं क्या DNA को कि hydrophilic molecule हो, ताकि जो cell membranes है वो pass नहीं कर पाए. And bacteria ये क्या made of होते हैं, किससे होते हैं, DNA molecules से. Competency in the ability of cell can take up foraging DNA. Methods to make cell components, क्या क्या methods होते हैं cell components के. Chemical method, ठीक है. Chemical जो method होता है ये, chemical method इसमें क्या होता है, cell जो है treated होते हैं with a specific concentration, और ये डाइवल्टेड cations होते हैं such as calcium, increase करना pore size of cell wall में. सेल्स आर देन इंक्यूबेटेड विथ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद वो इंक्यूबेटेड होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, फॉलोड बाय द प्लेसिंग ब्रीफली ऑन 42 डिग्री सेल्सियस एंड पुटिंग देम बैक टू आइस. ये प्रोसेस होता है केमिकल मेथड में. फिर क्या होता है, इट इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकम्बिनेंट. अब जो ये बैक्टीरिया है जब आइस में पुट करता है तो वो इनेबल कर देता है रिकम्बिनेंट करने के लिए. फिजिकल मेथड में क्या होता है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो डायरेक्टली इंजेक्टेड होता है न्यूक्लियस में एनिमल सेल में, ठीक है.
और ये प्लांट्स में क्या होता है, ये जो सेल होते हैं वो बम्बार्डेंट होते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, कोटेड होते हैं डीएनए से, और बायोलिस्टिक होते हैं जैसे जेन गन मेथड होता है, फिर होता है और एक मेथड होता है पैथोजेन वेक्टर्स का जो कि इन्फेक्ट करते हैं सेल्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, फिर डीएनए होस्ट में डाला जाता है। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, आपके केमिकल हो गए, फिजिकल हो गए, प्लांट्स में हो गए, एनिमल्स में हो गए, ये प्रोसेसेस हो गए। नाउ हम लोग पहले देखे थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसमें हम लोग देख रहे थे कि डीएनए को सेपरेट किया जाता है, डीएनए को सेपरेशन किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो साइज है बड़े हैं, फिर धीरे 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 छोटे साइज हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये सेपरेशन होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेपरेशन होता है, ये प्रोसेसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में भी होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स ये प्रोसेस यूज होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ हैव यू यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन दिस ईमेल। थैंक यू वेरी मच।